नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मई दिन गुरुवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है बुद्ध पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से मीटर रिचार्ज करवाने का कर रही आग्रह। बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन हुई शुरू। IMA ने दिया निर्देश, मतदान करने वाले मतदाताओं का इलाज होगा निःशुल्क। बिहार के 18 जिले के 508 नदी घाटों पर शुरू होगा बालू खनन का कार्य। हार्दिक पांड्या के समर्थन में युवराज सिंह का बयान आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। HPSC ने असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर निकाली भर्ती। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर के 98 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 22 मई से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में PhD की डिग्री हासिल की हो, साथ ही नेट एग्जाम पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है बुद्ध पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। आज यानी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसे लोग पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास के शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन कोई भी धार्मिक कार्य करना सबसे उत्तम माना जाता है। आज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। 25 मई को होने वाले छठे चरण के चुनाव के तहत सील हुआ भारत नेपाल बॉर्डर। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के तहत चुनाव आयोग के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा को 25 मई शाम 6 बजे तक सील कर दिया गया है। 25 मई को मतदान के बाद बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बता दें कि ये फैसला शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोजित हो सके इसके लिए लिया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बल सख्ती के साथ तैनात रहेंगे। चुनाव से पहले SSB के तरफ से बॉर्डर पर सख्ती के साथ जांच की जा रही है। जो लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल की तरफ जा रहे हैं उन्हें अब पैदल ही अपने देश लौटना पड़ रहा है। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से मीटर रिचार्ज करवाने का कर रही आग्रह। 2 मई से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तकनीकी समस्या चल रही थी जो अब दूर हो चुकी है। जिन भी उपभोक्ताओं ने अपने मीटर रिचार्ज नहीं करवाए हैं वे 3 दिनों के अंदर मीटर रिचार्ज करवा लें। बिजली कंपनी भी उपभोक्ताओं से ये आग्रह कर रही है। उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी ये मैसेज मंगलवार से ही भेज रही है। यदि उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो शुक्रवार से उनके बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि गर्मी का मौसम है, एक साथ सभी बकायेदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बिहार में 18 जिले के 508 नदी घाटों पर शुरू होगा बालू खनन का कार्य। बिहार में बालू खनन का कार्य 18 जिले के 508 नदी घाटों पर जल्द ही शुरू होने वाला है। बालू खनन के लिए इन घाटों को शुरू करने के लिए कई औपचारिकताएं तेज कर दी गई हैं। इसके तहत लगभग 337 क्लस्टरों की नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में 118 बालू घाटों पर खनन का कार्य चल रहा है। इसमें सबसे अधिक बालू घाट भोजपुर जिले में है। यहाँ पर करीब 28 घाटों पर बालू खनन का कार्य चल रहा है। इसके बाद पटना में 17, गया और जमुई में 14, रोहतास में 10 घाटों पर बालू खनन का ये कार्य चल रहा है। पटना दर्शन राजगीर और बोधगया के लिए पर्यटन निगम ने जारी किया टूर पैकेज। पटना दर्शन पावापुरी ककोलत नालंदा राजगीर और बोधगया के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा टूर पैकेज जारी किया गया है। ये टूर पैकेज एक दिवसीय है जिसका समय सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। इससे एक दिवसीय टूर पैकेज के लिए 2700 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस टूर पैकेज का लाभ उठाने वाले पर्यटकों को भ्रमण के दौरान सुबह का नाश्ता, दोपहर में लंच, शाम में स्नैक्स, पीने का पानी, टिकट आदि चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि पहला टूर पैकेज पटना से पावापुरी और ककोलत के लिए है। दूसरा पैकेज पटना दर्शन के लिए है जिसमें गांधी सेतु, बिहार संग्रहालय, गुरुद्वारा, बुद्ध स्मृति पार्क, गांधी मैदान, मरीन ड्राइव आदि जगह घुमाए जाएंगे। तीसरा टूर पैकेज पटना नालंदा राजगीर के लिए है और चौथा पटना से बोधगया, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए है। इस टूर पैकेज का लाभ उठाने के इच्छुक पर्यटक दरोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज जाएंगे और ऑफलाइन तरीके से अपनी बुकिंग करवाएंगे। प्रत्येक पैकेज का संचालन शनिवार और रविवार को किया जाएगा।
24 मई को बिहार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए शुरू होगा इंटरव्यू। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 24 मई से इंटरव्यू शुरू होने वाला है। ये भर्ती कुल 4108 रिक्त पदों पर की जाएंगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और सेवा आयोग ने इंटरव्यू की तारीख की घोषणा पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही घोषित कर दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में ही 4638 रिक्त पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें से केवल 531 पदों पर ही बहाली हो सकी। लेकिन फिर पटना हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया का आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू शुरू किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान का बदलेगा सिस्टम। विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान के पूरे सिस्टम को शिक्षा विभाग बदलने की तैयारी कर रहा है। वेतन सिस्टम में होने वाले इस बदलाव के तहत यूनिवर्सिटी के कर्मियों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। होने वाले इस नए बदलाव की जानकारी कुलपतियों को विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से दे दिए गए हैं। पत्र के जरिए कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू की जानी है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का वेतन अलग अलग सीधे उनके खाते में भुगतान किए जाने पर विचार चल रहा है। इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। इसके संचालन के संबंध में प्रधानाचार्य, बर्सर, कुल सचिव, वित्तीय परामर्शी और वित्त पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन से 9 घंटे में पटना से दिल्ली तो 20 घंटे में पहुंचेंगे बेंगलोर। पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। फिलहाल पटना में 4 वंदे भारत ट्रेन का संचालन पहले से किया जा रहा है, जिसमें पटना से रांची, जलपाईगुड़ी, हावड़ा और लखनऊ के लिए वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है। पटना से नई दिल्ली के लिए जो नई वंदे भारत ट्रेन आएगी वो 5वीं ट्रेन हो जाएगी। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन दानापुर और बेंगलोर के बीच होने जा रहा है। बता दें कि ये जानकारी रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है। पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन आरा बक्सर DDU होते हुए नई दिल्ली केवल 9 घंटे में पहुंच जाएगी। वहीं दानापुर से बेंगलोर के लिए जिस अमृत भारत ट्रेन का संचालन होगा वो ट्रेन 20 घंटे में पहुंचाएगी। सामान्य ट्रेन से ये सफर तय करने में लगभग 40 से 43 घंटे तक का समय लगता है। बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की जारी हुई आंसर की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंट परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। परीक्षा समिति द्वारा कहा गया है कि विशेषज्ञ द्वारा सभी विषय के प्रश्नों का आंसर की तैयार किया गया है, जो समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यदि किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी आपत्ति होती है तो वे 23 मई 2024 शाम के 4 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन हुई शुरू। किसान भाइयों के हित में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि किसान आसानी से अपनी खेती बाड़ी कर सके। इसी कड़ी में आज हम आपको बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के बारे में बताएंगे। इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को हर साल 100 से भी अधिक प्रकार के यंत्रों की खरीद पर 40 से 80% तक का अनुदान देती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई तक है। तो यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिहार सरकार के कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के बच्चे ई समता ऐप के माध्यम से होंगे दक्ष। नर्सिंग के विभिन्न कोर्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा ई समता ऐप के माध्यम से राज्य के नर्सिंग कॉलेजों के बच्चों के लिए शुरू हुई है। बच्चे चाहे तो पाठ्य सामग्री को ANM स्टूडेंट ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। इस पाठ्य सामग्री का उपयोग संस्थान के फैकल्टी भी अपने ज्ञान वर्धन के लिए कर सकते हैं। आश्रिता फाउंडेशन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए करार किया है। नर्सिंग संस्थानों को ये सुविधा रजिस्ट्रेशन काउंसिल के माध्यम से एकदम मुफ्त दी जाएगी। कोई भी राशि स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए खर्च नहीं करने होंगे। 5:45 पर शिक्षकों को स्कूल आने के निर्देश वाला शिक्षा विभाग का लेटर निकला फर्जी। सोशल मीडिया पर बिहार शिक्षा विभाग का एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सुबह 5:45 पर स्कूल पहुंचने के निर्देश दिए हैं और शिक्षकों को 6:05 पर नोट कैम ऐप के माध्यम से फोटो भेजने की बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। नए पत्र के मुताबिक बताया गया है कि शिक्षकों को स्कूल में सुबह
सुबह 6 बजे पहुंचना जरूरी होगा और फोटो क्लिक करके हेडमास्टर ग्रुप में 6:15 तक फोटो क्लिक करके भेजना होगा। फिर 12 बजे तक बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद दोपहर के 12 बजे तक स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। साथ ही 12 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन होगा। उसके बाद शिक्षक 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की अवधि में फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर करेंगे। IIM ने दिया निर्देश, मतदान करने वाले मतदाताओं का इलाज होगा निःशुल्क। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार राज्य शाखा द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए निजी क्लिनिक में मतदान करने वाले मरीज और उनके परिजन को एकदम निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए IIM ने अपने बिहार पदाधिकारियों को और सभी चिकित्सकों को कहा है कि मतदान के दिन मतदान करने वालों को अपने क्लिनिक में निःशुल्क इलाज की सुविधा दें, क्योंकि मतदान से ही सुखद और स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए IIM द्वारा चलाई जा रही ये पहल आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव को लेकर आशंका जताई जा रही है। बारिश को लेकर तो मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज एक या दो जगहों पर मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना से इन शहरों के लिए चलेंगी नई बसें। राज्य सरकार द्वारा पटना से अन्य शहरों के लिए नई बसें चलाने का फैसला लिया गया है, ताकि राजधानी पटना से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। बिहार के कुल 54 छोटे बड़े शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी। जिन 54 शहरों के लिए बसों का परिचालन होगा, उसे चलाने के लिए रिक्तियों को सार्वजनिक कर दिया गया है। पटना से कई अन्य शहर बस के जरिए सड़क मार्ग से जुड़ेंगे तो आने जाने की सुविधा होगी। पटना से जिन रूटों पर बसों का संचालन होगा उनमें भागलपुर, बांका, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, खगड़िया, मधेपुरा, भभुआ, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, मुंगेर, बेतिया, सासाराम, जयनगर, औरंगाबाद, नवादा, देव, आदापुर, लौकहा, वीरपुर, डेहरी, लहेरिया सराय, झंझारपुर, पाली, तिलपा, जमालपुर, मधवापुर, पिपरौना, बेला, परसौनी, कुनौली, अंधरामठ, मधेपुर, विशुनपुरा, सेगटा, आख्ता, भिटा मोड़, भिसुआ बाजार, रसियारी, गोह, सिकंदरा, निर्मली, कुचाईकोट, साहरघाट, कटैया, पगरा, जंदाहा, चिनारी, कौवाकोल शहर शामिल है। बेहटा एयरपोर्ट पर ताज़ा अपडेट आया सामने। पटना एयरपोर्ट पर बोझ बढ़ने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बेहटा वायुसेना के एयरबेस को हवाई अड्डा बनाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार से हवाई अड्डा प्राधिकरण ने जमीन की मांग की। राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई, जिसे चारों तरफ बाउंड्री वॉल किया गया। हालांकि अब तक ये काम नहीं लटका हुआ है, लेकिन एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा 8 एकड़ जमीन 1 महीने के अंदर उपलब्ध करवाने का दावा किया गया है। लेकिन जब तक बेहटा एयरपोर्ट के लिए पूरी जमीन नहीं मिलती है, तब तक बेहटा एयरपोर्ट का सपना साकार नहीं हो पाएगा। BRA बिहार विश्वविद्यालय में प्री लॉ या LLB में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस। BRA बिहार विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेजों में संचालित प्री लॉ और LLB में एडमिशन के लिए अब प्रवेश परीक्षा देना जरूरी होगा। प्रवेश परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसके लिए छात्र और छात्राओं को लगभग 4 ब्लॉक कॉलेजों में मौजूद 1000 से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल का लिंक एक्टिव किया जा चुका है। अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आवेदन करने के बाद विश्वविद्यालय अपने स्तर से बच्चों की प्रवेश परीक्षा लेगा, फिर मेधा सूची जारी की जाएगी। उसके बाद बच्चों का नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। शराब तस्करी मामले में पुलिस को एक और सफलता लगी हाथ। बिहार में शराब तस्करी मामले में एक बार फिर से सफलता मिली है। दरअसल औरंगाबाद के कासमा थाना की पुलिस ने दुगुल मोड़ के नजदीक एक कारोबारी के साथ भारी मात्रा में शराब लदे बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। इस मामले की जानकारी देते हुए कासमा पुलिस ने बताया है कि दुगुल मोड़ के समीप 75 लीटर देसी महुआ शराब के साथ शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर की पहचान छोटू कुमार के नाम से की गई है।
बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद पवन सिंह का बयान आया सामने। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी द्वारा एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर पवन सिंह को तत्काल प्रभाव से भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। अब बीजेपी के इस कार्रवाई के बाद पवन सिंह ने अपनी बातें सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर साझा की है। पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेरकर राक्षसों ने मारा था, आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है लेकिन जनता उसके साथ है। भाजपा ने अपने चुनावी वीडियो सॉन्ग किया रिलीज। अपना चुनावी वीडियो सॉन्ग बुधवार को बीजेपी द्वारा लॉन्च किया गया है। चुनावी वीडियो सॉन्ग रिलीज करने का कार्यक्रम चाणक्य के होटल स्थित मीडिया सेंटर में हुआ। इस वीडियो में पीएम मोदी के काम और बिहार के विकास की गाथा दिखाई गई है। चुनावी वीडियो सॉन्ग रिलीज करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस वीडियो के जरिए लोगों को जानकारी दी गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री ने बिहार सहित पूरे देश में कितना काम किया है। बिहार का विकास एनडीए की सरकार में जिस तरह से हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। 400 पार सीट की बात कही जा रही है तो वो सीट जनता कैसे देगी, इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने बताया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी रच रही साजिश। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पवन सिंह को बीजेपी द्वारा पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। पवन सिंह को निष्कासित किए जाने के बाद इस पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमको तो यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिश है। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर मीडिया के सामने बयान देने से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना है, ये बीजेपी का मामला है तो वही जाने। हालांकि इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने इसे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताई। हार्दिक पांड्या के समर्थन में युवराज सिंह का बयान आया सामने। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हार्दिक पांड्या के समर्थन में बयान दिया है। युवराज ने कहा है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या से कुछ विशेष आएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ 5 जून से करने वाली है। युवराज ने आगे कहा कि वो रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम को ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। भारत ने 2007 के बाद से दोबारा कभी T20 वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है। युवराज सिंह के बयान पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिविंग इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। आज के दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आज के दिन प्रसूति नालव्रण समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1945 में भारतीय लेखक पद्मराजन का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय सैनिक प्राणनाथ थापर का वर्ष 1906 में जन्म हुआ था। जाने इंस्टाग्राम के गलती से डिलीट हुए पोस्ट को कैसे करें रिकवर। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक गलती से हमसे इंस्टाग्राम की कई पोस्ट या कोई पोस्ट डिलीट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महज कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम उसे डिलीट हुए पोस्ट को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल में आना होगा, फिर प्रोफाइल के राइट साइड कॉर्नर पर 3 लाइन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और योर एक्टिविटी पर जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें एक रिसेंटली डिलीटेड होगा और दूसरा रिमूव्ड एंड आर्काइव्ड कंटेंट होगा। यहाँ पर आप रिसेंटली डिलीटेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आपके डिलीट हुए फोटो और वीडियो दिख जाएंगे, जिसे आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रह गए। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 मई, ऑप्शन बी है 18 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 20 मई। इसका सही उत्तर 18 मई। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी।
हाल ही में आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए है रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर, ऑप्शन बी है सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। इसका सही उत्तर है सनराइजर्स हैदराबाद। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है महानंदा। इसका सही उत्तर है महानंदा। देश में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है गौतम यादव, सुमन कुमार, शिवचंद्र मंडल, धनंजय कुमार, भारत प्रसाद, छोटू महतो, राजेश कुमार, खालिद खान, सादुल्ला पालवी, विजय कुमार, वेद प्रकाश सिंह, प्रमीला कुमारी, राजकिशोर महतो, नौसाद राजा, राजीव कुमार, गोनर शर्मा, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बताते आज के सवाल की और आज का सवाल है आपका पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।